डॉक्टर सुशांत कांडे, जो कि जूनियर रेसिडेंट के पद पर रिम्स के आईसीयू विभाग में कार्यरत हैं। इन्होंने सिम्स बिलासपुर से एमबीबीएस पूरा किया तथा एक वर्ष तक एम्स के टीबी एंड चेस्ट विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान की। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुशांत कांडे है। मैं यहाँ पे एज अ जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, जो कि कैंसर के मरीजों के लिए होती है, वहाँ पे एज अ जूनियर डॉक्टर वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्किन से, जो हमारी जो त्वचा होती है उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करूँगा। एक जो जनरली जो गांव के लोगों में, जो तालाबों में जो गंदे पानी में जो नहाते हैं या फिर जो, तो स्किन में एक खुजली की परेशानी हो जाती है, जनरली छोटे बच्चों को मैक्सिमम देखने को मिलता है और बड़ों में भी होती है। ये जनरली जो होता है कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। जैसे हम घर में किसी को हुआ है और उसके कपड़े वगैरह छू लिए या फिर कपड़े पहन लिए, तो ये जनरली ये बीमारी जो होती है कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। बीमारी जो है स्केबीज की, उसमें उसका एक जीवाणु जो होता है सार्कोप्टिस स्केबीज, उसकी वजह से जो होता है वो क्या करता है, स्किन में छोटे छोटे अपने अंडे दे देता है और वो फिर फैलते जाते हैं और वहीं स्किन के अंदर ही वो ग्रो करने लगता है, मतलब वो बढ़ने लगता है और धीरे 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 वो शरीर में फैलने लगता है। जनरली जो हमारी जो त्वचा जो होती है, जो शरीर से कपड़ों से जो दो त्वचा का जो जुड़ाव जो होता है, जैसे हमारे जो कोहनी है वहाँ पे दो स्किन जो जुड़ती है वहाँ पे होता है, और छोटे बच्चों में भी ये कॉमन बीमारी है। और जनरली जो गंदे पानी में या फिर गांव में जो जनरली ज़्यादा देखने को मिलती है, इसका इलाज है, इसका एक लोशन आता है परमेथ्रिन, उसको हम आसानी से त्वचा के ऊपर लगा देते हैं तो ये बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। डॉक्टर सुशांत पांडे से यदि आप चर्म रोग से संबंधित परामर्श करना चाहते हैं तो संपर्क करें info@trimsindia.ac.in पर या कॉल करें 07713053060 या 3053087 पर।